उनकी एक खास बात होती है, उन्हें पता है सही कौन है और गलत कौन है। ये नेचुरल बॉडी बिल्डिंग जैसा कुछ नहीं होता है, क्यों पागल बना रहे हो लोगों को? मेरा प्रोकार फर्जी है। हेलो मेरे फैमिली, कैसे हो आप लोग? दुआ करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो वीडियो में बात करते हैं भुवन चौहान की। तो गाइज, भुवन चौहान ने लेटेस्ट फिजिक अपडेट शेयर की है, तो आप सभी इनकी करंट कंडीशन देख सकते हो। और आप सभी को भुवन चौहान की करंट कंडीशन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो नेक्स्ट अपडेट प्रिया सिंह की तरफ से आ रही है। तो गाइज, प्रिया सिंह ने एक फीमेल बॉडी बिल्डर है और राजस्थान की काफ़ी फेमस बॉडी बिल्डर है। तो प्रिया सिंह ने अपने हेटर्स को क्या रिप्लाई दिया है, तो चलिए वीडियो देख लेते हैं। हेलो गाइज, जैसा कि आपने लास्ट टाइम देखा था कि बहुत दिनों से मुझ पर एलिगेशन लग रहे थे, सोशल मीडिया पे वीडियो डाली जा रही थी कि मेरा प्रोकार फर्जी है और मैं मतलब बाहर खेल के आई हूँ, तो पंजाब की एनजीओ है। जिन लोगों ने वो वीडियो डाली थी ना, उन्हीं लोगों ने वो वीडियो डिलीट कर दी है। तो मैं बहुत जल्द इस चीज का खुलासा करने वाली हूँ और आप लोगों के साथ में लाइव आने वाली हूँ कुछ ऐसे फेमस फेस के साथ में, और क्या सच्चाई है मैं आपको बताने वाली हूँ। तो प्लीज आप एक दो दिन का वेट करिए, तब आपके सामने सच्चाई आ जाएगी। थैंक यू। तो नेक्स्ट अपडेट भरत सिंह वालिया की तरफ से आ रही है। तो गाइज, भरत सिंह वालिया ने भी अपने हेटर्स को क्या रिप्लाई दिया है, तो चलिए वीडियो में देख लेते हैं। जीवन में नाम और पहचान भले ही छोटी हो, खुद की होनी चाहिए। क्या हाल है मित्रों, जय श्री राम। मैं आपका अपना मॉडर्न साधु भरत सिंह वालिया। जैसा मैंने कि कहा कि अपनी पहचान होनी चाहिए, अपना नाम होना चाहिए, अपना स्टैंड होना चाहिए, अपना ओपिनियन होना चाहिए। किसी के पीछे गले में पट्टा पहन के, उसका पेडिग्री खा के उसके लिए नहीं भौंकना चाहिए। कहां ले जाएगा आपको जीवन में। तो बहुत लोगों को शायद मार्गदर्शन मिलेगा इससे। और कुत्तों से याद आया, हमारे हिंदुस्तान के जो कुत्ते होते हैं, जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, बहुत ही प्यारे होते हैं। और उनकी एक खास बात होती है, उन्हें पता है सही कौन है और गलत कौन है। तो आप कितने भी महंगे बिस्किट ले जाइए, कितने भी नोट की गड्डियां ले जाइए, वो आपको भौंकेगा अगर आप गलत हैं। और अगर आप अच्छे इंसान हैं, आप प्यारे इंसान हैं, तो आपको प्यार ही देगा। दूसरी तरफ कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं जिन्हें महंगा पट्टा चाहिए जीवन में, जिन्हें पेडिग्री खाना है, जिनको महंगे बिस्किट खाने हैं। तो ये कुत्ते कैसे होते हैं, ये अपने मालिक के पीछे ही खड़े होते हैं हमेशा, चाहे वो कितना ही अधर्मी हो, कितना ही शैतान को पूजता हो, कितना ही हिंदुस्तान की यूथ को भटकाता हो, कितने ही स्कैम्स करता हो, फ्रॉड करता हो, कितना ही भागता फिरता हो और बाद में दिखाता हो कि वो बहुत बड़ा गुंडा है। समझिए जीवन में करना क्या है, कहां लेके जाएगा आपको। जय श्री राम। तो नेक्स्ट और लास्ट अपडेट जीत सिलाल की तरफ से आ रही है। तो गाइस, जीत सिलाल ने अपने नेक्स्ट शो HSF एक्सपो का अनाउंस कर दिया है। ये शो कब होगा, कहां होगा और इस शो को क्या टर्म एंड कंडीशन, क्या रूल्स रहेंगे, इन सभी के बारे में जीत सिलान ने बताया है। तो चलिए वीडियो देख लेते हैं। ये नेचुरल बॉडी बिल्डिंग जैसा कुछ नहीं होता है, क्यों पागल बना रहे हो लोगों को? अरे भाई, देखेगा कौन इन नेचुरल एथलीट्स को, सब तो एनहांस्ड घूमते हैं आजकल। यही सारी बातें हमें सुनने को मिली जब हमने पहली बार HSF 2022 को एग्जीक्यूट किया था। बहुत सारे लोग हमारे पे सवाल उठा रहे थे, क्वेश्चन कर रहे थे, करेंगे कैसे ये लोग। लेकिन जब हम अपने सपने को जब हमने पूरा किया तो सबको जवाब मिल गया। सो गाइस, हियर आई ब्रिंग यू अगेन द वर्ल्ड्स बिगेस्ट नेचुरल स्पोर्ट्स फेस्टिवल, हिमालयन स्टैलियन स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2023। और आप लोगों को ये जान के बहुत खुशी होगी कि इस बार इट्स गोना बी बिगर, बेटर एंड ग्रैंड, क्योंकि इस बार हम लेके आ रहे हैं HSF एक्सपो को इन न्यू दिल्ली, प्रगति मैदान, 3 और 4 जून को। डेट नोट कर लो, भूल मत जाना। HSF एक्सपो 2023 में इस बार आप लोग विटनेस करेंगे हमारे पुराने चैंपियंस नेचुरल एथलीट्स, उसके साथ साथ इंटरनेशनल एथलीट्स जो पहली बार इंडिया में कम्पीट करेंगे आप सभी लोगों के साथ। तो इट्स गोना बी ग्रेट टू सी, टू विटनेस ऑल दीज बिग एथलीट सुपरस्टार्स इन इंडिया इन दिल्ली दिस ईयर। अब बात करते हैं हमारी HSF की टेस्टिंग पॉलिसी को लेकर। इस बार बहुत सारी चीजें ध्यान में रखते हुए हमने अपनी टेस्टिंग पॉलिसी को और भी स्ट्रिक्ट बनाया है, बहुत सारी नई चीजें इंप्लीमेंट करी है अंडर द गाइडलाइंस ऑफ वाडा,
और इसको मैनेज करने के लिए, ठीक से मैनेज करने के लिए हमने एक एथलीट मैनेजमेंट टीम बनाई है जो सारी इन्फॉर्मेशन एथलीट्स को, टेस्टिंग को लेके, कहाँ टेस्टिंग होगी, कैसे होगी, कैसे आप लोगों को टेस्टिंग के लिए क्या क्या चीज़ें सबमिट करनी है, इसके लिए हमने एक अलग से टीम बनाई है। तो आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा इस बार किसी भी तरह का रिगार्ड्स टू टेस्टिंग पॉलिसी।